नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको EPFO EPS-95 पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों से अवगत करवाई जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही में लगी बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज की अपडेट निकल कर आ रही है कि 19 जिलों में हमारा चंद्र तैयार है। 19 जिलों में हम आपको आपकी पेंशन दिला के ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ नहीं करना पड़े उसके लिए। आगे की आंदोलन हमारे बारे में आपको बता दें, अगला आंदोलन हमारे ये है कि हम अपने अपने संसद सदस्य के पास में जाएंगे। हमारा जो मुद्दा है वो संसद से संबंधित है। संसद अगर चाहे तो उसने पहले कोश्यारी समिति बैठाई, उसके पहले एक और एक्सपर्ट कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट आ गया, कोश्यारी समिति का रिपोर्ट आ गया, बाद में सरकार ने एक और तीसरी समिति बैठा दी और तीसरी समिति का यह हवाल भी आ चुका है। अभी कल जो है बजट सत्र घोषित हो चुका है। लेकिन हमारी ईपीएस पेंशन भाइयों के लिए इन मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया है। अब हमारा आंदोलन यह होगा कि चूंकि संसद सदस्य इसके लिए जवाबदार हैं, पूरे भारतवर्ष के संसद सदस्यों को कमांडर साहब कल जो एक पत्र लिखेंगे, वो एक आंदोलन चलाएंगे कि हर जिले के अंदर हमारे जो भाई हैं एक गुलाल की थाली लेके जाएंगे और एक काला रंग लेके जाएंगे। उससे कहेंगे कि आप 13 तारीख तक बजट सत्र में हमारी मांगे पूरी करवाइए, एक तो हम गुलाल लेके आएंगे, नहीं तो आपका मुल्क काला करके जाएंगे और आपके मुल्क में घूम जाएंगे। इस प्रकार का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चलेगा। हमारा दूसरा बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो हमको मदद कर रहे हैं, लेकिन यह आंदोलन का हिस्सा है। आंदोलन में छींटे सबको ऊपर पड़ेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप अपने सांसद महोदय से भले उन्होंने आश्वासन दिया है वो हमारे अपने हैं, लेकिन हम अब बात किसी का सुनना नहीं चाहते। हमको आप हमारा काम करके दिखाइए, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश में राज करेगा। किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी प्रकार का आंदोलन हम सिर्फ मेंबर्स के घर पे सामने भी चाहेंगे। कमांडर साहब ने गोपनीय तौर पर बता दिया है, कल उसका पत्र लिखा जाएगा। सीबीटी मेंबर्स के दरवाजे पे हमारे लोग जाएंगे, बहुत संख्या में जाएंगे, एक हाथ में गुलाल की थैली और दूसरे हाथ में काला रंग रहेगा कि 13 तारीख के बाद में आप तैयारी करके रख लो, आपको हमारी मांगों को मंजूर करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी खुद की राशि आपके पास में, सीबीटी के पास में, ईपीएफओ के पास में जमा है। इसके बाद में भाइयों, अगर जो है बहुत सारे संसद सदस्य गुलाल लगाने के लिए कौन तैयार होगा, काला मुल्क करवाने के लिए कौन तैयार होगा, कौन होगा जिसके मुंह पर थूकेंगे, ऐसे हमारे पास में कैटेगरी तैयार हो जाएगी। इसके बाद में आवश्यकता पड़ी तो कमांडर साहब के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में नेल रोको आंदोलन भी होगा, 100% होकर रहेगा। और इसके बाद में और आवश्यकता पड़ी तो बहुत सारे आंदोलन से दो आंदोलन और से जिसको हमने गोपनीय रखा है वो कहा किया जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में किया जाएगा या वित्त मंत्री की है किया जाएगा या श्रम मंत्री की है किया जाएगा, वो भी हम करेंगे। लेकिन आपकी पेंशन, आपका हक कमांडर साहब के नेतृत्व में 100% आपको दिला के ही रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। आंदोलन की एक सीमा होती है, आंदोलन की सीमा सब प्रकार के आंदोलन हम कर चुके हैं, सब प्रकार के आंदोलन हमने किए, जितने भी अहिंसात्मक आंदोलन है हमने मुंडन करवाए, हमने भिक्षा मांगी, भिक्षा की राशि प्रधानमंत्री कार्यालय कोष में जमा कर दी। इसके बाद में हम लोगों ने मुंडन करवाए और हम लोग गिरफ्तारी भी रख रहे हैं। इतना सब करने के बाद में
अगर ये लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमारे पास तो और कोई चारा नहीं है। हम जब तक जिएंगे कमांडर साहब के नेतृत्व में, ध्यान सुनिए, हम जो है अपने ये जो EPFO है जिसमें हमारी राशि जमा कर ली है, हमने बहुत सारी मीटिंग संबंधी के साथ में हुई है, हमें केवल आश्वासन ही मिले। अभी भी जो है हम सोच रहे थे कि हमारे बजट सबको कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो है नहीं किया गया। अब जो है हमको आशा के ऊपर जीने दिया जा रहा है, लेकिन हमको मरने भी नहीं दिया। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, हम लोग जैसे हम ठीक भी नहीं मान सकते हैं और चोरी भी नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें कहा जाए। इसलिए भाइयों, अब हमारा आंदोलन अंतिम चरण में है, 8 बार की लड़ाई है और जिसको हमको 100% जीतना ही है और हम जीत के ही रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। हिंद का आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है। हिंद का आंदोलन और बुढ़ाना का आंदोलन ये जब तक चलता रहेगा, जब तक हमें विजय प्राप्त नहीं होगी, जब तक हमें विजय प्राप्त होगी, हम हिंद और बुढ़ाना के आंदोलन का ऐतिहासिक आंदोलन बनाना चाहते हैं। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि यहाँ इस हिंद के अंदर सत्यनारायण सिंह जी पर बलिदान दिया था, उनके बलिदान का दर्ज हमारी विजय में ही हम प्राप्त करवा रहे हैं। इसलिए हम वो आंदोलन तीव्र करना है। जैसे बहुत नजदीक है, बिल्कुल भूल जाइए हम बूढ़े हैं। कमांडर साहब हमारे यहाँ, हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे, आपकी बात आपके समझ में आ जाएगी। इतना कहते हुए हम दो चीज आपको और बता देना चाहते हैं। ये हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी जो है बहुत सारी उपमित है, बहुत सारे मंत्रियों ने कमांडर साहब सवाल बताई है आपको, लेकिन जो है हम कहां तक विश्वास करें, किसके ऊपर आशा में जी हम जिये। हमारे लोग रोज मर रहे हैं, रोज हमको श्रद्धांजलि देनी पड़ती है। अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है संघर्ष के सिवा। अब हमारा आंदोलन संघर्ष की ओर बढ़ चुका है। हमने पहले प्रचारात्मक आंदोलन किया, बाद में रचनात्मक आंदोलन किया, अब जो है हमारा संघर्ष का आंदोलन है और ये अंतिम चरण में है और जीत हमारी निश्चित होगी क्योंकि संत हमारे साथ में है। शौर्य और धैर्य ये दो चाक के ऊपर, ये दो चक्कों के ऊपर हमारा विजय रथ आगे बढ़ रहा है और विजय श्री में प्राप्त होते ही रहेगी। एक नारा देंगे हम, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। 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 एक और बात आपको बता देना चाहते, निश्चित